कोविड 19 संक्रमण से देश में हुई मौतों से प्रभावित परिवारों को मुआवजा देने में असमर्थता व्यक्त करने वाले सुप्रीम कोर्ट में दायर हलफनामे के ऊपर आश्चर्य व्यक्त करते हुए प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता प्रेम कौशल ने मीडिया को जारी एक बयान में कहा कि मुआवजे से इनकार करना ऐसे परिवारों और देशवासियों के प्रति क्रूरता से कम नहीं है तथा आर्थिक सहायता को आर्थिक संसाधनों की कमी से जोड़कर परिभाषित करना और भी दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि पिछले लगभग एक साल में पेट्रोल डीजल से लेकर हर प्रकार के जरूरी सामानों की कीमतों में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है, जिससे सरकार ने हजारों करोड़ रुपए का अतिरिक्त राजस्व अर्जित किया है। इसलिए सरकार का यह तर्क तथ्यों पर आधारित नहीं है। उन्होंने कहा कि जब 22,000 करोड़ रुपए की लागत से सांसद भवन और प्रधानमंत्री निवास का निर्माण किया जा सकता है, 1600 करोड़ के प्रधानमंत्री के लिए विमान खरीदे जा सकते हैं, तो घोषित महामारी तथा आपदा की स्थिति में अपर्याप्त व्यवस्था तथा सरकारी कोताही के चलते मृत्यु का ग्रास बने लोगों के परिजनों को मुआवजा देने से क्या सरकार दिवालिया हो जाएगी? कांग्रेस प्रवक्ता ने आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार की नज़र में भौतिक विकास और विलासिता के संसाधनों के मुकाबले देशवासियों की जिंदगियों की कोई अहमियत नहीं है। प्रेम कौशल, प्रवक्ता प्रदेश कांग्रेस। माननीय सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार द्वारा देश के अंदर कोरोना संक्रमण से जो मौतें हुई हैं उनके लगभग 22,000 करोड़ रुपया जो है वो सरकार खर्च करने जा रही है। 16,000 करोड़ रुपए के विमान प्रधानमंत्री की यात्रा करने के लिए खरीदे जा रहे हैं और इतना भारी भरकम धन, उसका जो एक भौतिक विकास और विलासिता के संसाधन जुटाने का जो नज़रिया है, उस नज़रिए के आगे मानव जीवन की ना कोई कीमत है ना कोई अहमियत है। हमीरपुर से ब्यूरो प्रमुख सुरेंद्र कटोच की रिपोर्ट।